आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जीमेल का पासवर्ड कैसे पता करें। दोस्तों, आप भी जीमेल का पासवर्ड भूल गए हैं और आपको पता नहीं है जीमेल का पासवर्ड, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं और साथ ही साथ जीमेल का पासवर्ड देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चंदेश टेज यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन सर्च करेंगे, जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। ये जीमेल एप्लीकेशन जो है हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। इसको ओके करने के बाद आप जो है एक कॉर्नर पर टच करेंगे। यहाँ पर जिस जीमेल आईडी का पासवर्ड देखना है, वो जीमेल आईडी लॉगिन हो जाए मोबाइल में, तभी उसका पासवर्ड आप देख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, मैं जो है इस आईडी को जीमेल पासवर्ड इसका देखूंगा भी और चेंज करके भी दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए हम टच करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे, यहाँ पे। तो मैं इसे टच करता हूँ। इसको टच करने के बाद हमारा जो है इस प्रकार मेनू खुलेगा, तो आपको इसमें स्लाइड करना है, इस इधर की तरफ स्लाइड करना है। आपको सिक्योरिटी को टच करना है यहाँ पे, तो मैं सिक्योरिटी को टच करता हूँ। दोस्तों, पासवर्ड देखने के लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ धीरे धीरे स्क्रोल करना है, स्क्रोल करते जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, ये वाला, इसको ओके करना है। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है यू हैव 29 पासवर्ड सेवर योर गूगल अकाउंट। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर मेक एसियर टू साइन इन टू साइड, तो इसको हम ओके करेंगे पासवर्ड मैनेजर को। इसको ओके करने के बाद जो फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा google.com, आपका भी इसमें google.com लिखा हुआ आएगा, तो ये वाला google.com को टच करना है। इसे टच करेंगे तो आपका मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट मांगेगा, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट, तो आप उसको मोबाइल का जो लॉक होता है ना, वो फिंगरप्रिंट दे के पासवर्ड डालकर उसको खोल लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है आप, ये आँख दिख रहा है ना, आँख, ये आँख को टच करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड दिख जाएगा कि आपका पासवर्ड है। तो एक तरीका ये हो गया। अगर ये भी आपका मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो पहले वाला पासवर्ड भूल जाइएगा, नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो उसी से आपका आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी तरीके आपको बता दूं। उसके लिए एरो पर टच करेंगे, ये वाला पे बैक जाएंगे। फिर से सिक्योरिटी में आ गए, आप तो सिक्योरिटी में धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड लास्ट चेंज 12 जून, ये वाला, इसको हम टच करेंगे पासवर्ड लास्ट चेंज को यहाँ पे। इसको जब टच करेंगे तो इस प्रकार हमारा ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड का, क्योंकि मुझे पासवर्ड तो मालूम है नहीं, तो फॉरगेट पासवर्ड पे टच करना होगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पर मैं टच कर रहा हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड पर जब टच करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिकवरी मेल आईडी दिया हुआ है, हमको पासवर्ड तो याद ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, मतलब आपका जो मोबाइल का जो लॉक है होता है पासवर्ड डाल के या फिंगरप्रिंट से जो लॉक किए हैं वो डाल के इसको ओपन करिएगा। तो मेरा जो है इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मांग रहा है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू मांग रहा है करने के लिए, तो कंटिन्यू पर टच करता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पर टच करूँगा, ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो मैं फिंगरप्रिंट डाल के इसको ओपन करता हूँ। आपका यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डाल के ओपन कर दीजिएगा। मेरा फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल है, तो फिंगरप्रिंट में डाल के इसको ओके कर दिया हूँ। तो हमारा ये खुल रहा है, फिर से जो है हम कंटिन्यू पे टच करेंगे। कंटिन्यू पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए खुल रहा है नया पेज जो है अभी आने वाला है। नया पेज आएगा, इसमें तो आप जो है नया पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो पहले वाला पासवर्ड आप भूल जाएगा, नया पासवर्ड से डाल के चेंज कर दीजिएगा, तो वही पासवर्ड आपका जो है परमानेंट रहेगा। ये देखिए,
नया पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे और एक पासवर्ड इधर मांग रहा है। तो पासवर्ड जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है इसमें, जो कि कोई आदमी इसको हैक ना कर सके। तो मैं नया पासवर्ड बनाता हूँ इसमें, नया पासवर्ड मैं बना दूँ। नया पासवर्ड बनाता हूँ मैं। नया पासवर्ड मैं बना दिया हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, जो कि ऊपर में भी जो पासवर्ड डालेंगे वही सेम नीचे में भी डालना है। थोड़ा लंबा पासवर्ड रहना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। मैं पासवर्ड डाल के, नया पासवर्ड डाल के मैं चेंज पासवर्ड पे टच करूँगा। यहाँ पे इस पर टच किया तो ये देखिए, ये जो हमारा मांग रहा है चेंज पासवर्ड, फिर इस पर टच करना पड़ेगा। ये चेंजिंग पासवर्ड हो रहा है, ये देखिए यूजिंग पासवर्ड इज ओनली चॉइस योर डिफरेंट, दूसरा पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। तो मैं दूसरा डालता हूँ, मैं दूसरा पासवर्ड डाल दिया। अभी डाल के चेंज पासवर्ड पर टच करता हूँ, चेंज पासवर्ड डालता हूँ। अभी हमारा खुल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली लिख के आ गया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी कि हमारा पासवर्ड जो है चेंज हो गया। तो आप इस वीडियो में पासवर्ड देखने की भी मैं बता दिया आपको और चेंज करने का भी बता दिया। ओनली फिंगरप्रिंट और पासवर्ड, अपने मोबाइल का जो लॉक पासवर्ड है वो डाल के चेंज कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखने पर कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे इससे। तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी के ज्ञान आपको मिलते रहे और आप आगे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।